नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दलाल, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक 10 HP कनेक्शन पर एक मच्छी मोटर थी वो चला के दिखाई थी। उन मोटरों का फ़ायदा ये है, चाहे आप नदी में डाल दो, नहर में डाल दो, या ड्रेन में डाल दो, या फिर आपके गड्ढे में पानी निकल जाए या पानी में डूब जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसी की ऐसी चलती रहती हैं। और आज इस वीडियो में दोस्तों, हम आपके लिए एक 3 HP की लूबी की मोटर है, 1440 RPM वाली मोटर है, वो हम चला के आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे 12 पैनल लगे हुए हैं जो कि ट्रॉली पर सेट हैं। किसान भाई ने अपने मल्टीपर्पज़ के लिए ट्रॉली बनवाई है, ताकि इनके खेत 2 से 3 जगह पड़ते हैं, यहाँ पर भी चला सके और इसको दूसरी जगह भी लेके आसानी से जा सके, और जब काम हो जाए खेती का तो इनको अपने घर पे ले जा सके, ताकि चोरी आदि की घटनाएं ना हो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आती है जिन किसानों के पास वाटर लेवल 15 फीट 20 फीट पे है या 25 फीट पर है, समरसीबल उनके वहाँ पे काम करते नहीं हैं, और यदि 2800 CRPM वाली मोटर रखते हैं हाई स्पीड। दोस्तों, जिन किसान भाइयों के पास वाटर लेवल 15 से 20 फीट पर है, उनके सोलर पंप पर जो हाई स्पीड वाली मोटर रखी होती है वो पानी बहुत देर में उठाती है। कई बार तो हमने देखा है कि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं पानी उठाने में, ये समस्या आती है। तो उस समस्या के समाधान के लिए आप 1440 RPM की जो मोटर है वो आप चला सकते हैं सोलर पंप पर। अब जैसे पीछे ट्रॉली पर 12 पैनल लगे हुए हैं, इस पर हमने सेट करके और एक 3 HP का लूबी का पंप चलाया है 1440 RPM वाला। क्या उसकी परफॉर्मेंस है वो हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले जो किसान भाई मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए हम आपको पंप की परफॉर्मेंस दिखाते हैं और किसान भाई के रिव्यू लेते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे 12 पैनल हैं ट्रॉली पर, और अभी पैनलों पर डस्ट बहुत ज़्यादा जमी हुई है, इसके कारण वाटर का जो आउटपुट है वो थोड़ा कम होगा। यहाँ पे पंप चल रहा है, हम आपको दिखाने वाले हैं। ये 1440 RPM का पंप है, काफी बहुत अच्छा फ्लो है पानी का। हाँ बेटा, कैसा निकल रहा है पानी? अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ क्लास में। कौन से स्कूल में? सर स्कूल। अच्छा, अब गर्मी में छुट्टियां चल रही हैं? हाँ। तो आज एंजॉय करने आ गए खेत में? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। ये भाई, पानी का आउटपुट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे पंप चल रहा है। तो 1440 RPM वाला का पंप है, किसान भाई ने पुराना पंप लिया था। अब इस किसान भाई से बात करेंगे। कर जी, पंप की कैसी है? बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है जी, अच्छा पानी निकाल रहा है। आपने ये ट्रॉली जो 12 पैनल की बनवाई है, तो इससे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी रहती है, इसके लिए आपने ये खर्चा लगाया है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चोरी वगैरह का खतरा नहीं रहता, अपने घर पर लेके चले जाते थे हम को जी, सुबह ले आते हैं इसको। सुबह ले आते हो आप? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने आपका काम किया है, इससे आप संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल, DC कंट्रोलर था, अपने AC में इसको कन्वर्ट कर दिया है, बढ़िया चल रहा है। पहले मोटर चलती नहीं थी इससे, कंट्रोलर से जी, और अब बिल्कुल बढ़िया चल रही है, पानी भी अच्छा निकाल रही है। थोड़ा दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी, आपका अगर कोई DC का कंट्रोलर है या कोई सोलर का कोई काम है, भाई से संपर्क करो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं वगैरह कोई वो नहीं है इसमें। चलो जी, धन्यवाद आपका। हेलो बेटा, आप कैसे हो? अच्छा। कहीं आप ये ना बोलोगे मेरे छोटे भाई से तो पूछ लिया, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। कौन से स्कूल में? तो आज पापा के साथ काम कराने खेत में आए हो? छुट्टी पड़ी हुई है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आप इंजॉय करो और साथ में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का।